दोस्तों आज की कहानी है, मम्मी जी क्या लेने आती हैं आपकी बेटी हमेशा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शगुन की नई नई शादी हुई थी विमल से। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, भरा पूरा परिवार था। सास ससुर देवर जेठ जेठानी और एक शादीशुदा नंदुई सब शगुन को बहुत प्यार और सम्मान करते, वह भी खुश रहती थी। पर कई दफा विमल के साथ जिस एहकात को वह शुरू से साथी थी वो कहीं मिसिंग था। विमल की आदत भी कुछ ऐसी ही थी कि वह पूरे परिवार में बहुत घुला मिला था। वह चाहता था कि शगुन भी वैसी ही हो जाए शगुन को, लेकिन आज भी अपने मायके के आगे कोई न जस्ता। जब तक ससुराल रहती सब कुछ करती, पर बात अगर उसके मायके की हो तो वह सब कुछ भूल बस उन लोगों की तीमारदारी में लग जाती। ये बात विमल को बहुत खटकती। विमल की माँ उसे समझाती, अभी नहीं है अपने परिवार से जुड़ा होता ही है हर स्त्री का, धीरे धीरे इस घर को भी अपना समझने लगेगी, तू फिक्र न किया कर। विमल शुभ रह जाता और फिर एक मौका देता शगुन को सीखने और संभलने का। इस बार न्यू ईयर को प्रोग्राम शगुन ने विमल के साथ अकेले ही कुफरी जाकर मनाने का सोचा था। वहां गिरते बर्फ का आनंद वह सिर्फ विमल के साथ लेना चाहती थी। विमल ने उसके हिस्सा का सम्मान करते हुए अपनी माँ के कहने पर शगुन के साथ प्रोग्राम बनाया और वह बहुत खुश थी इस बात से। करीब एक हफ्ते घूमकर वह लौटी तो घर में उसने ननन अपने दो बच्चों के साथ आई हुई थी। अपने बच्चों की विंटर ब्रेक में मायके जाना सबको ही अच्छा लगता है, शगुन को उनका आना अच्छा नहीं लग रहा था। पर विमल के डर से वह बोली कुछ नहीं, उसकी बेरुखी घर में सब नोटिस कर सूखे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था इस बात का। शगुन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ये ऊपर ऊपर से बली बनी रहती है पर दिल से किसी दूसरे को सहन नहीं कर पाती, जो बहुत गलत है। विमल ने सोचा और कुछ योजना बनाने लगा। अगले ही दिन उसकी योजना अनुसार शगुन का भाई उसे लेने आया। शगुन, माँ ने बुलाया है तुम्हें कुछ दिन, तुम्हारी भाभी भी बेसर्विस है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। शगुन खुशी से उछल पड़ी, मैं जरूर जाऊंगी, बस विमल आ जाए फिर शाम को चलते हैं, उसने अपने भाई से कहा। शाम को विमल ऑफिस से लौटा, शगुन जाने को तैयार बैठी थी, बस एक औपचारिक था पूरी करना चाह रही थी। उससे पूछने की कहाँ की तैयारी है, विमल ने पूछा। शोभित भैया लेने आए हैं, माँ ने बुलाया है कुछ दिनों को, वो बोली, और यहाँ दीदी और बच्चे आए हुए हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा, विमल बोला। उनका क्या है, वो फिर आ जाएंगे, इनका तो लगा ही रहता है रोज का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, विमल गुस्से में सीखा ये कर। दीदी जा भी उतना ही जितना मेरा, तुम नादान हो अभी तक मैं यही समझता रहा, लेकिन तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम भी तो जट अपने मायके जाने को तैयार हो गई। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए यही ही कहेगी तो सोचो कैसा लगेगा तुम्हें, विमल ने कहा तो शगुन की आंखें झुक गई। वाकई मैं गलत तो नहीं कह रहे ये,
और शोभित भैया भी सुबह से न जाने कहाँ चले गए। शाम को आने की कह गए थे। उसने मन में सोचा, उसकी उलझन देखकर विमल समझ गया कि ये शोभित को लेकर परेशान है। चले गए भैया घर, वह मेरे कहने पर ही यहाँ आए थे तुम्हें सबक सिखाने। वह बोला, मुझे माफ कर दो विमल। सगुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं स्वार्थ में भटक गई थी। हर लड़की अपनी ननद जेठानी को कुछ भी कहते भूल जाती है कि वो भी ये सब रिश्ते कहीं निभा रही है, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और नियम, ये तो ठीक नहीं। सगुन के चेहरे पर प्रस्ताव के भाव साफ दिख रहे थे।